सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्र अश्विन को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम पर अपना दबदबा बना लिया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी धाक बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजों पर बनाई। मुकाबले की शुरुआत की बात करी जाए तो टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जैसे कि उमेश यादव और ईशान शर्मा ने सलामी जोड़ी को महज 12 रनों पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और सिर्फ इतना ही, आपको बता दें कि आगे मोहम्मद शमी ने भी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और लंच तक बांग्लादेश की टीम 63 रनों पर ही अपने 3 बड़े विकेट गवा चुकी थी। लेकिन लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ तो उसके बाद रविचंद्र अश्विन ने अपने हाथ आजमाए और भारतीय टीम के लिए इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रविचंद्र अश्विन ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर लिया है जो कि आज तक पूरे विश्व में केवल कुछ ही गेंदबाज कर पाए हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जब बांग्लादेश की टीम के खिलाफ रविचंद्र अश्विन को ओवर डालने के लिए गेंदबाजी थमाई गई, पारी के 38वें ओवर में न सिर्फ उन्होंने बांग्लादेश की टीम के सेट बल्लेबाज का विकेट दिलवाया बल्कि यह विकेट लेकर रविचंद्र अश्विन ने एक बेहद ही बड़ा विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। पूरा वाक्य है पारी के 38वें ओवर का। ओवर की पहली गेंद पर अश्विन का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज और बांग्लादेश की टीम के कप्तान मोमिनुल। अपनी पारी में 37 रन लगाकर क्रीज पर सेट हो चुके थे, लेकिन इसी ओवर की यह पहली गेंद स्विंग होकर अंदर की तरफ चली गई जिस पर मोमिनुल ने मिस जजमेंट कर दी। गेंद जाकर सीधा विकेटों में लगी और मोमिनुल अपना विकेट गवा बैठे। 37 रनों की इस पारी के बाद क्लीन बोल्ड हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रविचंद्र अश्विन ने इसी विकेट के साथ इस क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे भी कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रविचंद्र अश्विन उन चुनिंदा गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में मुरलीधरन, डेल स्टेन, हरभजन व रंगना हैरत जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। दोस्तों, उससे भी बड़ी बात तो यह है कि रविचंद्र अश्विन ने यह 250 विकेट लेने का कारनामा महज 42 मुकाबलों में किया है। आपको बता दें कि मुरलीधरन को भी इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में पूरे 42 मुकाबले ही लगे थे। इस बात को चाहे इत्तेफाक कहिए या फिर रविचंद्र अश्विन द्वारा बनाया गया एक और बड़ा रिकॉर्ड, 42 मुकाबले खेलकर रविचंद्र अश्विन ने भारतीय टीम की तरफ से 250 विकेट लिए हैं, जिसके बाद केवल सारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रविचंद्र अश्विन कई सालों से भारतीय टीम का हिस्सा है, हालांकि अब 2 या 3 साल से उन्हें वनडे व T20 में इतने मौके तो नहीं दिए जा रहे, लेकिन वह विदेशी टूर्नामेंट्स जैसे कि काउंटी क्रिकेट में अपना नाम जरूर हमेशा ऊपर रखते हैं अपने प्रदर्शन के चलते। आपको बता दें कि वहां पर भी रविचंद्र अश्विन की गेंदबाजी का खूब बोलबाला है और टेस्ट क्रिकेट में तो आज तक रविचंद्र अश्विन को भारतीय टीम में से कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाया। 250 विकेट लेना अपने आप में एक बेहद ही बड़ा कीर्तिमान है। इससे पता चलता है कि रविचंद्र अश्विन के पास अभी कितना अनुभव व क्रिकेट भी बाकी है। दोस्तों, अश्विन की इतनी तूफानी गेंदबाजी व इस रिकॉर्ड को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।